हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों, हमारे साथ आज उपस्थित है मीडिया डिपार्टमेंट के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री के मिश्रा जी, डॉक्टर जी भाई अजय यादव जी, भाई शहरयार जी, आदित्य अनुराधा जी एवं शर्मा जी, सुरेश जी। आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों से चर्चा करने के लिए, आप लोगों के संज्ञान में बात लाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में, प्रदेश में जब भी बनती है, जब भी रही है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़े कदम उठाए हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब महिलाओं के लिए, जो हमारी दीदियां हैं, माताएं बहन हैं, उनके लिए जिन राशि का प्रावधान किया जाता है, उन राशि का आजीविका मिशन में किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, ये जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। इतना बड़ा घोटाला, और किस तरह से, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आजीविका मिशन जो ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव की कहानी आज भाजपा के नेता सुना रहे हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि ये योजना की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की थी, यूपीए गवर्नमेंट ने की थी, झुंझुनवाला राजस्थान से सोनिया जी ने की, और ये जो शुरुआत की थी, ये दूसरे राज्यों में तो आंदोलन बन चुका है, पर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश सिर्फ महिलाओं को, आजीविका मिशन की दीदियों को ठगने का काम किया है, और लगातार इस आंदोलन के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। आधे से ज्यादा स्व सहायता समूह या तो खत्म हो गए हैं या निष्क्रिय पड़े हैं। कांग्रेस ने जब आजीविका मिशन की शुरुआत की थी तो निर्देश थे कि 12% से अधिक ब्याज समूह के सदस्यों से नहीं लिया जावे, परंतु मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने और उनके अधिकारियों ने 24% ब्याज समूह से वसूला, जो आरबीआई के दिशा निर्देशों के विपरीत था। वही 15 महीने की सरकार में हमने सुधार किया, आदरणीय कमलनाथ जी ने कैबिनेट में लाके प्रस्ताव पारित किया, और कांग्रेस की सरकार ने जो गरीब माता बहनों को 24% ब्याज भाजपा सरकार वसूलती थी ऋण लेने पर समूहों को, वो 12% ब्याज कांग्रेस सरकार ने करने का काम किया, और 12% में आज भी वो क्रियान्वयन हो रहा है, आधा करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। कांग्रेस ने निर्णय लिया था कि आजीविका मिशन अंतर्गत सामुदायिक निवेश निधि से ₹30,000 प्रति सदस्य के मान से समूहों को 0% की ब्याज दर पर कृषि गैर कृषि उत्पादक गतिविधियों हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, परंतु भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया। जो हमने 0% पे 0% पे तय किया था, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके उसकी कॉपी भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, उसको भाजपा सरकार ने बंद करने का काम किया। इससे अंदाजा लगाइए कि स्व सहायता समूह की दीदियों का हितैषी कौन है, कांग्रेस सरकार है कि भाजपा सरकार है, ये अंतर है। एक तरफ हम लोग सरलीकरण करते हैं, उनको अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में काम करते हैं, दूसरी तरफ मिले हुए अधिकार को छीनने का काम भाजपा सरकार करती है। वर्तमान भाजपा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।